Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अरे जुकी भैया, बहादुरी का बातें कर रहे थे कि ऐसा कछु नहीं है, बहुत डींगे हाक रहे थे। अभी क्या हो गया आपको, थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए ना। अरे गोली मिश्रा एक कुख्यात अपराधी है, उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं काम करती। देखा, हम बोले रहे आपको कल, लेकिन हमारी बात पे तो कोनो विश्वास ही नहीं था आपको। अब बोले रहे वो तो कोनो खिलौना है, पिचकारी है। हाँ तो हमें लगा था कि शेखी बघारने के लिए उन्होंने हाथ में वो खिलौने वाली बंदूक ले ली होगी, लेकिन हमें क्या पता कि वो जगन्नाथ ने अपराधी है। लेकिन हमको बताइए कि कौन सा दुश्मनी है आपका भरभूति जी, हमरा मतलब है गोली मिश्रा के साथ। नहीं ऐसा कौन दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाने अनजाने में दुश्मनी निकाल लेते हैं ना। पिछली बार भी जब कमिश्नर साहब ने उनको बिना किसी कारण के इंस्पेक्टर बना दिया था तो उन्होंने हमारा का हाल किया था, तुम्हें तो पता है ना। हमको याद आया लेटू की भैया, वो बात बात पे आपको फोरकास्ट कर देते थे। फोरकास्ट नहीं करते थे, अरेस्ट करते थे। ऐसे ही पकड़े हैं आपको, बात बात पर गिरफ्तार कर लेते थे, वो बंदूक दिखाते थे, है ना। हम भी कितने स्वार्थी है। देखा हुआ का है, अपने आप को स्वार्थी बोल रहे हैं। अरे हम खुद को वो गोली मिश्रा से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भाभी जी वो कैसे उस अपराधी से खुद को बचा रही होंगी। सच्ची लड्डू की भैया, वो अनीता जी का जान तो सच में खतरे में है उनके साथ रहते हुए। अरे वो बारूद के ढेर पर बैठी है। लेकिन रोज तो वो सोफे पर बैठते हैं। बिना एक नंबर के निपट मोटम औरत हो। लेकिन अभी तो आप बोले रहे हमको कि वो बारूद पर बैठी हैं। अरे उनका मतलब यही होता है कि उनकी जान को खतरा है। तो है तो आप क्या करेंगे, आप पुतिन भैया को बुला लेते हैं, वो आपको गोली मिश्रा से बचा लेंगे। हाँ पुतिन तो हमें गोली मिश्रा से बचा लेगा, लेकिन हमें पुत्तन से कौन बचाएगा। हम है ना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।